सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय डियर स्टूडेंट्स, मायसेल्फ शंडे सर वेलकम्स यू टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ इंग्लिश लेसन ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम। फर्स्ट यूनिट इज गोइंग ऑन। द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर वर्क। नंबर मतलब होता है अंक, अंक या संख्या, संख्या पे काम करना। अब क्या क्रिया होती है देखेंगे। फर्स्ट, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन फिगर्स द फोर नंबर्स इन द स्टोरी। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनो और कहानी में आई हुई कोई चार संख्याएं अंकों में लिखो। मतलब यहां पे कोई भी नंबर्स अगर आए होंगे इस पोएम में, इस पोएम को पढ़ते हुए या इस टॉपिक को पढ़ते हुए, तो वहां पे अगर नंबर्स आए होंगे तो यू हैव टू राइट इन नंबर्स। स्पेलिंग होगी तो उसको नंबर्स में आपको कंटिन्यू करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है द गोल्डन फीदर्स। द गोल्डन फीदर, गोल्डन मतलब होता है सुनहरा या सोने का, गोल्डन कलर या सोना, सोने का जो होता है उसे गोल्डन कहते हैं। और फीदर यानी पंख, यानी सोने के पंख। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। वन डे द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक इन अ गार्डन व्हेन शी फाउंड अ बिग ब्यूटिफुल गोल्डन फीदर। तो वन डे, एक दिन, द क्वीन, क्वीन मतलब रानी, वॉज टेकिंग अ वॉक। टेकिंग अ वॉक ये एक फ्रेज है। टेकिंग अ वॉक मतलब घूम रही थी, टहल रही थी, टहलना, वो टहल रही थी, घूम रही थी। कहाँ पे? गार्डन में, बगीचे में, इन हर गार्डन। व्हेन शी फाउंड अ बिग, उस समय उसे एक बड़ा सा ब्यूटीफुल गोल्डन फीदर मतलब सुंदर सुनहरा पंख उसे दिखाई दिया। अब हम सेकेंड स्टैंजा की तरफ जाते हैं। देन शी मेट अ लिटिल मैन, ही सेड इफ यू गिव मी दैट फीदर आई विल गिव यू 3 big diamonds. Sorry, said the queen. जब वो फीदर मिलने के बाद, then she met a little man. और उसके बाद met मतलब मिलना, उन्हें एक छोटा सा आदमी मिला, एक छोटा सा आदमी मिला, बौना या जिसकी हाइट कम थी, लिली फुट हम बोलेंगे, जैसे पिक्चर में शो किया है। He said, इस आदमी ने कहा, if you give me that feather, अगर आप, if मतलब अगर, अगर आप मुझे वो पंख दोगे, I will give you 3 big diamonds. मैं आपको 3 big diamonds, 3 मतलब 3. तो अब यहां पे आपको कैसे लिखना था, ये स्पेलिंग के सामने नंबर में लिखना था, तो ये आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। डायमंड्स का मतलब होता है हीरा, डायमंड का मतलब होता है हीरा। अगर आप मुझे ये पंख दोगे तो मैं आपको 3 हीरे दूंगा। क्वीन सेड, क्वीन ने कहा, सॉरी, माफ करना, सॉरी मीन्स माफ करना, यानी मैं नहीं दे सकती। देन शी मेट एन ओल्ड वुमन, द ओल्ड वुमन सेड इफ यू गिव मी दैट फीदर आई विल गिव यू अ नेकलेस एंड 21 pearl. सॉरी सेड द क्वीन। फिर उस बौने आदमी के बाद, देन शी मेट एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत से मिली, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं। द ओल्ड वुमेन सेड, ये बूढ़ी औरत ने कहा कि इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर आप मुझे वो पंख दोगे, आई विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ 21 pearls. नेकलेस मतलब गले का हार, नेकलेस मतलब गले का हार। और वो बना किससे? पर्ल से। पर्ल मतलब होता है मोती, मोतियों का हार। अगर आप मुझे ये पंख दोगे तो मैं आपको
21, अब ये वर्ड्स में है, हमें नंबर में लिखना है 21 कैसे लिखते हैं। तो क्वीन ने कहा सॉरी मुझे माफ कर दो। देन शी मेट द किंग, द किंग सेड इफ यू गिव मी दैट फीदर आई विल गिव यू 99 गोल्ड क्वाइंस। सॉरी सेड द क्वीन। अब पहले छोटे लिटिल मैन से मिली, फिर बूढ़ी औरत से मिली, और थर्ड में वो मिली, देन शी मेट द किंग, उस रानी की मुलाकात हुई राजा से, और राजा ने कहा द किंग सेड इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर आप मुझे वो पंख दोगे आई विल गिव यू 99 गोल्डन क्वाइंस। 99 गोल्डन, सोने के सिक्के, सिक्के मतलब कॉइन, सोने के सिक्के दूंगा, कितने, वो भी 99। लेकिन रानी ने कहा सॉरी। देन शी मेट द लिटिल प्रिंस, ही सेड ओ ममा वॉट अ ब्राइट ब्यूटिफुल फीदर, टेक इट माई डियर सेड द क्वीन, कीप इट सेफ। फिर बाद में राजा के बाद, देन शी मेट द लिटिल प्रिंस, लिटिल प्रिंस मतलब महाराज का बेटा, महारानी का बेटा मतलब युवराज, युवराज से मिली, तो युवराज ने कहा ओ मम्मा, मम्मी वॉट अ ब्राइट ब्यूटिफुल फेदर, ब्राइट मतलब उजाला है ना, तीव्र यानी चमक रहा था वो, ब्यूटिफुल फेदर कितना सुंदर फेदर है, टेक इट माई डियर। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा आप ये ले लो, डियर मतलब होता है प्रिय, प्यारा। सेड द क्वीन कीप इट सेफ, इसे सुरक्षित रखना। सो इस पूरे पोएम में जो स्टैंजास आए हैं, इसमें नंबर्स जो आए हैं वो है 3 बिग डायमंड्स, 21 पर्ल्स, 99 गोल्डन क्वाइंस। तो इस नंबर्स की स्पेलिंग लिखकर उसके सामने उसका नंबर लिखना है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नोट डाउन द वर्ड्स दैट बिगिन विद W। मतलब कहानी फिर से सुनो, ये स्टोरी फिर से सुननी है, और वे शब्द लिखो जो इन कहानी में W से प्रारंभ होते हैं। इस कहानी में ये जो स्टोरी है या पोयम है, इसमें जो भी W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं वो हमें नोट डाउन करने हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, W से स्टार्ट होने वाला है वॉज, एक, वॉक, दो, वेन, तीन। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू विल, चार, वुमन, पांच, विल हो चुका है, विल हो चुका है, छे, व्हाट, इस तरह हमें 6 वर्ड्स मिल गए। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, W से वर्ड्स, वर्ड्स फ्रॉम द लेटर W, तो W से आने वाले वर्ड्स को हमें लिखना है, W, वर्ड स्टार्ट फ्रॉम लेटर W, ऐसे करके नंबर 1 वॉज विल वो नोट डाउन करना है। अब इसमें दिया है नंबर 1 और 2, वन और टू, ये कृतियां ध्यान पूर्वक सुने, सुनने के लिए है। कहानी सुनते समय विद्यार्थी को पुस्तक बंद कर रखने के लिए कहे, कुछ समय पश्चात कहानी फिर से सुनकर वे शब्द लिखने को कहा जा सकता है जो W से बदले, W के बदले अन्य अक्षरों से Q, K, I से भी प्रारंभ होते हैं। तो जैसे दूसरी एक्टिविटी दी है W की, तो यहाँ पे आप लोग क्यू के लेटर्स से आने वाले वर्ड्स, के से लेटर के आने वाले वर्ड, या आई लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स ये भी लिख सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे तीसरी एक्टिविटी दी है, तीसरी एक्टिविटी में हमें क्या करना है, लुक लिसन एंड रीड अलाउड विद मी, टीचर्स के साथ आपको बोलना है। सिलेक्ट एनी वन नंबर्स एंड फ्रेम अ सेंटेंस अबाउट इट, मतलब ये बॉक्स में नंबर्स दिए हुए हैं,
ये नंबर्स में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है और इस नंबर के अनुसार जो शब्द आएगा उसके ऊपर आपको वर्ड्स बनाने। देखते हैं, देखो सुनो और मेरे साथ मुख कर वाचन करो। कोई भी एक संख्या चुनो और उसके विषय में अंग्रेजी में एक वाक्य बनाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है टू, जैसे टू को सिलेक्ट किया है सपोज, तो यहां पे क्या दिया है, दे हैव टू डॉटर्स। दूसरा सेंटेंस, जनवरी हैज 31 डेज, अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयर आर 88 पेजेस इन दिस नोटबुक, माय ब्रदर मेड 54 रन्स यस्टरडे। तो दिस वे आपको ये करना है, समझ में आया। यहाँ पे स्पेलिंग दी है, फिर बाद में नंबर्स, कोई भी एक नंबर्स को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर इसी अनुसार सेंटेंस बनाने हैं। नाउ वी विल सी एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या करना है, रीड अलाउड एंड लर्न, मुख कर वाचन करो और सीखो, यानी जोर से पढ़ना है और सीखना है। 100 हम नंबर लिखते हैं, उसकी वर्ड्स में भी दिया 100, 1000, 10,000, ये कितना है 100,000, 100,000 मतलब कितना होता है 1 लाख, ये कितना है अ मिलियन, मिलियन मतलब कितना होता है 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। और लास्ट वाला नंबर डिजिट दिया है 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़, या 1 करोड़ मतलब होता है 10 मिलियन। तो दिस वे वी हैव टू रीड अ लाउड, ये नंबर्स और उनकी स्पेलिंग हमें लाउडली पढ़ना है। आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, anyone, HUNDRED, 100, 100, ऐसे पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर स्पेलिंग्स लर्न हो जाएगी नंबर की। नाउ वी विल सी द एक्टिविटी नंबर 5, मेक अ बिग चार्ट ऑफ नंबर्स 1 to 100 रिटन इन वर्ड्स। मतलब आपको क्या करना है, 1 से 100 तक की संख्याएं शब्दों में लिख कर उनकी एक सारणी बनाओ। मतलब आपको एक बड़ा सा चार्ट बनाना है, ONE TWO, ऐसे कहां तक लिखना है 100 तक, उनकी स्पेलिंग लिखनी है और चार्ट बनाना है और आपको वो चार्ट स्टडी करना है ताकि आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स की स्पेलिंग आ जाए। 99 की स्पेलिंग क्या है, 87 की क्या है, 47 की क्या है, ये आपको आ जाए, वो आपको मैथ्स में यूजफुल होगा। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 6, थिंक ऑफ लार्ज नंबर्स एंड मेक सुइटेबल सेंटेंस, यानी बड़ी संख्या के बारे में हमें सोचना है और उससे सेंटेंस बनाना है। बड़ी संख्याएं मन में सोचो और उनके लिए उचित वाक्य बनाओ। जैसे एग्जाम्पल दी है, जैसे मन में सोचा होगा 365, तो उसका सेंटेंस क्या हुआ, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। दूसरा उसने सोचा 5000, माय मदर बॉट अ टेबल फॉर 5000 रुपीज। तीसरा मिलियंस, तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। इस तरह आपको कोई भी एक नंबर सोचना है और बड़े से बड़ा नंबर सोचकर उसके ऊपर क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। समझ में आया। तो दिस वे वी हैव फिनिश दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है इसका नाम है नंबर वर्क, यानी संख्या की क्रिया। संख्या पे हमने देखे कि वर्ड्स में लिखा है उसे नंबर्स में हम कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद आपको सेकेंड एक्टिविटी में दिया है कि आपको W से या Q से या K से या I से या किसी भी अल्फाबेट से या लेटर से आपको शब्द बनाने हैं। उससे क्या होगा, सेकेंड एक्टिविटी की वजह से आपको वो वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको वो शब्द पता चलेंगे, उसके साथ आप उसकी मीनिंग भी ढूंढ सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी में 1 से लेकर 99 तक नंबर्स लिखे हैं, अब उस नंबर्स में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, दे हैड 2 डॉटर्स, उनकी यहां 2 लड़कियां हैं, आई हैव 2 हैंड्स, है ना, आई हैव मोर देन 10,000 हेयर्स ऑन माई हेड। तो ये आप किसी भी तरह सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 4th एक्टिविटी थी 100 से लेकर 1 करोड़ तक नंबर्स दिए थे, वो नंबर्स आपको याद रखना है कि 100 है तो कितने जीरो लगेंगे,
थाउजेंड है तो कितने जीरो, 10,000 में कितने जीरो है, 1 लाख में कितने हैं, 10 लाख में कितने हैं, और 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, और मिलियंस मतलब कितना, और 10 मिलियंस मतलब कितना। फिफ्थ एक्टिविटी, 1 से 100 तक आपको स्पेलिंग लिखनी है, जिससे आपकी स्पेलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और लास्ट इसमें बड़ा सा बड़ा नंबर अपने दिमाग में सोचना है और उसके ऊपर वाक्य बनाना है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। मैं आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।